बहुत हल्का है भाई, बहुत हल्का है। फाइनली रावण के लिए ये बांस निकालू बाहर अंकल। तो भाई अंकल ने 400 रुपए का बांस कर दिया, यहाँ पे दोनों फटे वाले और यहाँ के अंकल हेड है हमारे। तो भाई अंकल बांस दिखा रहे हैं हमको। तो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई जैसा कि आपको पता है भाई, 24 अक्टूबर को दशहरा है अपना, और मैंने भाई बहुत सारे ब्लॉग्स में बोल रखा है कि भाई रावण बनाने वाले हैं। तो फाइनली भाई आपके लिए ये वाली वीडियो लेके आ चुका हूँ रावण का। आज हम जा रहे हैं भाई बांस लेने, और हम जाएंगे भाई सीधा जातपुर, और यहाँ से भाई हम करेंगे बैटरी रिक्शा पूरा बुक कर देंगे यहाँ से। और क्योंकि भाई हमारे बुक करने का यही रीज़न है क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे बंदे हैं, और हमारा जो रावण का बांस है उसको लेके आने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए भाई उसके ऊपर रख देंगे बैटरी रिक्शे के ऊपर, और फिर वहाँ से भाई हाथ में सीधा रख के लेके आएंगे घर तक। तो इस बार का रावण भाई बहुत मस्त होने वाला है, तो बने रहना कंटिन्यू ब्लॉग में। और रेगुलर ब्लॉग आएंगे हमारे रावण के, डेली ब्लॉग अपलोड होंगे डेली गाइज, तो देखते रहना हमारा। और जो भी रावण बना रहा है भाई बताना है भाई कैसा कहाँ तक पहुँच गया आपका रावण। और भाई इंटरेस्ट बहुत होता है भाई रावण का वीडियोस देखने में यूट्यूब पे, इसलिए भाई बहुत मज़ा आता है भाई देखने में वीडियोस रावण के यूट्यूब पे। तो बस आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना, और अभी निकलने वाले हैं भाई आजादपुर, हम बांस लेने जा रहे हैं गाइज, और आपको प्राइस भी बताने वाले हैं बांस का कितना होने वाला है। और अगर आपने भी स्टार्ट नहीं किया अभी तो आपको ही बता दे रहा हूँ भाई, बांस लेने चलना है आपको भी, अगर आसपास में हो तो बांस उधर लेने चले जाना आजादपुर। और अभी हम जा रहे हैं तो आपको भी बता देंगे क्या प्राइस होने वाला है वहाँ का और कैसा बांस मिलने वाला है। बाकी वहाँ पे बांसों की बहुत सारी दुकानें हैं ना, इसलिए भाई हम जाएंगे वहाँ से लेके आएंगे और आपको भी बताएंगे कि कैसा मिलता है वहाँ पे। और हमारे साथ जाने वाले हैं भाई 5-6 लोग जाने वाले हैं, बाकी तो भाई हमारा शेख भाई तो है ही, एंड बहुत सारे लोग बनाएंगे हमारे साथ रावण। एंड जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं भाई जल्दी से जल्दी भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले व्लॉग्स बहुत खतरनाक होने वाले हैं रावण के। और चलो करते हैं व्लॉग को स्टार्ट, बस इतना ही। अभिषेक भाई हमारे साथ हैं, अभिषेक भाई हाँ सब बढ़िया यार, चलो एंड तक देखना यार। चलो चलते हैं और बांस का आपको प्राइस बताते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए भाई चलो चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं बैटरी रिक्शा पे, और हम जा रहे हैं भाई आजादपुर, तो चलो चलते हैं आपको प्राइस बताते हैं वहाँ पे क्या होने वाला है, चलो चलते हैं। देखो बैटरी रिक्शा का स्टॉप ये रहा आजादपुर का, तो चलो आपको विजिट कराते हैं हम। सो गाइस आपको ये वाले रावण वाले बांस मिलेंगे, ये छोटे वाले जो पतले वाले दिख रहे हैं, ये एक बंडल ये 400 रुपये का देंगे, इसमें 10 पीस निकलेगा आपको ये वाले बांस, ये वाले जो दिख रहे हो ये वाले। बाकी भाई आप पूरा रावण जो कवर करते हो ना यहाँ से आप आ सकते हो लेने, देख सकते हो ऐसे ऐसे बांस मिल रहे हैं यहाँ पे। और बाकी भाई बहुत मस्त है, छोटे वाले मिल जाएंगे आपको। सो गाइज यहाँ पे अंकल का रेट 500 रुपये का है और 600 रुपये का यहाँ पे अंकल एक बांस दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखो बांस भाई अंकल का कैसा है, क्वालिटी देखते हैं। निकाल देखो रावण बनाने के लिए बांस बहुत मस्त साइज है इसका, पतला निकाल निकाल बाहर निकाल। कितने का अंकल ये वाला? ये 500 रुपये का, 500 रुपये का बंडल है। कितने पीस निकलेंगे इसमें? 10 बांस है, कपच्ची बनवाओगे तो इसमें से बनेगी, इसमें से 5 कपच्ची, 10 बांस है भाई, 50 तो है जो भाई। हमको एक फटा बांस मिला यहाँ पे 250 रुपये का प्राइस है यहाँ पे अंकल ने बताया, और बाकी एक ये वाला ले रहे हैं, ये वाला भी सही है भाई, 500 पूरा 500 रुपये का अंकल प्राइस बता रहे हैं इसका। बाकी देखो भाई बांस ही बांस ही बांस है यहाँ पे, मतलब काम भी होता है। तो भाई आप आना यहाँ पे आजादपुर, एक बार विजिट करना है यहाँ पे, ख़रीद के देखना जो भी रावण बनाते हो बंदे। तो भाई हमको एक बार यहाँ पे आने को देखा, और भैया बता रहे हैं भाई इतने पतले पतले बांस तो हमसे भाई होगा नहीं इतने पतले बांसों का काम, इसलिए भाई हमको चाहिए थोड़े से बड़े और मोटे, क्योंकि इसका थोड़ा ऊपर से देखो कितना पतला है भाई ये। अभी चलते हैं नेक्स्ट दुकान पे, पूछ के आते हैं इनमें चार निकल। सो भाई यहाँ पे आजादपुर में जो भी बांसों की दुकान है जो कि यहाँ पे भाई लगी हुई है, और यहाँ पे भाई क्वालिटी तो बांस की बहुत अच्छी है, पर यहाँ पे भाई जो एक बंडल है ना, जो साबुत बांस का बंडल है वो 500 रुपये का दे रहे थे, और जो फटा वाला बांस है ना वो 250 रुपये में आपको लगा देंगे। तो आना एक बार भाई, देखते हैं हम भी कौन सा वाला लेते हैं, अभी चॉइस कर रहे हैं अभी हम, तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे का बांस। तो भाई अंकल बांस दिखा रहे हैं हमको, ये भारी नहीं अंकल, बड़ा नहीं है कुछ ज़्यादा, अच्छा खाली है। बताओ प्राइस बताओ फिर, इससे छोटा वाला नहीं है?
छोटा तो हो जाता है, बड़ा बड़ा नहीं होता, छोटे से बड़ा नहीं होता। अच्छा अच्छा, छोटे से बड़े छोटा हो जाता है। कितने बांस है इसमें? पाँच। भाई पांच बांस है, पांच बांस का बंडल देखो इतना बड़ा है। प्राइस क्या होने वाला अंकल इसका? 500 रुपये का प्राइस होने वाला भाई। चार बांस है इसमें, पांच बांस है। और भाई कितने फुट का अंकल ये? 16 फुट। भाई 16 फुट का प्राइस है भाई 500 रुपये। भाई देख लो पांच बांस है इसमें, और बांस भाई क्वालिटी बहुत हाई है, एकदम मोटा बांस है, आपको मिलेगा बढ़िया बांस है। भाई राउंड बनाने के लिए अंकल पर्सनली लेके आए हैं, देख सकते हो आप भाई। और भी हैं इससे छोटे वाले? और कोई से इससे छोटे वाले? फटे वाले दिखाओ अंकल, फटे वाले। हाँ देखो भाई यहाँ पे फटे वाले बांस दिखा रहे हैं अंकल। दोनों बंडल 500 रुपये का बता रहे हैं यहाँ पे। आज नहीं लेना मैं। यहाँ पे देखो भाई बंडल प्राइस देखो भाई, यहाँ पे बंडल बंडल देखो कैसा है भाई। ये देखो भाई ये इतना बड़ा बंडल है, और बांस देखो इतना लंबाई है इसका, और दो बंडल है, और ये दो बंडल का अंकल प्राइस 500 रुपये बता रहे हैं, देख सकते हो आप। और इस बंडल में मेरे को ज़्यादा लग रहे हैं, देखो ये देखो एकदम बढ़िया से ले जाते हैं हम सब कुछ, मतलब ठीक ही करते हैं, लेकिन आप थोड़ा महंगा बता रहे हो। बता सही रेट बताओगे तो बस बता लेंगे दोनों मिलकर। सही रेट बता दो अंकल इसका दोनों के। 20 रुपये कम कर दो भैया। 20 रुपये तक किराया भी नहीं लगा इतना तो। तो भाई अंकल ने 400 रुपये का बांस कर दिया यहाँ पे, दोनों फटे वाले, और यहाँ के अंकल हेड है हमारे, हमारा तो अंकल भाई पर्सनली लेके आए थे, और अभी बातचीत चल रही है यहाँ पे। चलो दिखाते हैं आपको बांस, बांस दिखाते हैं आपको। बांस एक से एक है भाई यहाँ पे, ये देखो ये वाला बांस है, दो बंडल है ये, तो एक बंडल ये वाला मैंने उठाया, और एक पीछे वाला है। देखो दोनों बंडल का, दोनों बंडल का रेट अंकल ने 400 रुपये का लगा दिया है अभी, देखो भाई। और अभी डिस्काउंट दे दें अंकल, और बाकी तो भाई अंकल बहुत अच्छे हैं, डिस्काउंट भी दे रहे हैं। और बांस देखो भाई, बांस अंकल ने पर्सनली मंगवाया है रावण के लिए, हमारे लिए। तो गाइस फाइनली डील पक्की हो चुकी है अंकल से, हमने बांस पूरा मतलब डील पक्की करवा चुके हैं, ले रहे हैं अब। और आपको बताऊं तो हमने कौन सी बांस लिया है, दिखाऊं? देखो भाई ये वाले दो बंडल ले लिए, और बाकी तो भाई ये देखो, ये इनमें से दो बांस निकलवा रहे हैं हम। और ये बांस टोटली हमको पड़ा भाई 580 रुपये के, टोटली बांस पड़ा ही हमको, देख सकते हो आप। यहाँ पे संजय यहाँ पे दो बांस निकाल रहा है, पाँच बांस में से जो दिखाया था आपको अभी। और अंकल ने फाइनली डील पक्की कर चुके हैं। अंकल कोई सा पर्चा है आपकी दुकान का? आपकी दुकान में कोई सा पर्चा है, नंबर? नहीं नहीं वीडियो में देना है ना, और लोग आ सकते हैं खरीदने आपकी दुकान से। अरे यही है मैन, देख लेंगे। अच्छा भाई ये रहा, अभी आपको दिखाता हूँ सामने, यहाँ पे एक बोर्ड लगा रखा है, वहाँ पे भाई बांस निकाल दो, नंबर मेंशन कर दूंगा, आप अंकल के पास अंकल से बात कर सकते हो। हाँ अंकल और भी बांस पड़ी हो यहाँ पे, और भी बांस अंकल के पास, देखो भाई आपके सामने बताया अंकल ने। चलो लेते हैं बांस और निकलते हैं, फिर अभी थोड़ा सा बांस बनवाना है गाड़ी वाड़ी पे, तो चलो चलते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बहुत हल्का है गाइस, बहुत हल्का है, फाइनली रावण के लिए ये बांस। निकालू बाहर अंकल? अरियल मां अंकल से आरिया उनका गिर जाया अबे, इस संजय लोंडे ने फंसा दिया बांस। आई दिया देखो भाई, यहाँ पे संजय हमारा आरिया लेके आ चुका है। भाई भाई नीचे का सहारा, भाई मैं ऊपर चढ़ता हूँ। भाई चलाओ चलाओ चलाओ, बांस निकालो भाई, बांस निकालो यार। अबे वही इधर करके निकाल, बांस इधर बात कर ले और निकाल, मैं बता रहा हूँ इधर थोड़ा एंगल। मैंने क्या बताया था उस दिन, को और निकाल दिया हमने, मैंने अबे ये वाले तो उठा, इसको नहीं उठाने क्या, वीडियो देख बन गई ना भाई। देखो ये वाली बात देख ली आपको, ये वाली क्या निकल लेना, ये वाली और एक ये वाली, भाई मेरे को ज़्यादा पता किस में लग रहे हैं, ज़्यादा इस वाले में लग रहे हैं और कम इस वाले में लग रहा है, पता नहीं क्यों यार। कोई नहीं, उसमें से थोड़ा निकाल के इसमें डाल लें। चलो चलते हैं अब इसको अंकल से पैक करवाते हैं, और गाड़ी पे अभी लादते हैं इसको दोनों को।
बिल्लो रानी कहे तो अभी जान दे भाई। बहुत बढ़िया बात की अंकल ने भाई, यहाँ पे खाना और प्राइस भाई बहुत सस्ता मिला है। और जितना हमको रावण बनाना है ना 20 फुट का आराम से बन जाएगा, नॉर्मली है। और पिछले बार भी हम यहीं से ले गए थे तो भाई और आराम से बन गया था, लास्ट में भी कम नहीं पड़ा था बांस हमारा। और बाकी सब तो भाई साइड में जो लगता है खड़े खड़े घंघरे के, और वहाँ पे बांस हम देख लेंगे, ये वाला तो लगाएंगे नहीं क्योंकि ये सिर्फ गोला बनाने में यूज़ कर रहे हैं हम। चलो चलते हैं आगे का कंटिन्यू ब्लॉग करते हैं। देखो ये पंडित कालीचरण शर्मा द्वार के सामने अंकल की दुकान है ये वाली, और अंकल ये वाले मिल जाएंगे आपको, देख लो अंकल को। और बाकी भाई सीसीटीवी कैमरे भी लग रखे हैं यहाँ पे। ये हमारी बांस है जो रेडी हो चुकी है, और ये मेरे हाथ में रस्सी है, इससे बांधना है। इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे बांस चोरी करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लग रखा है। हाँ बिल्कुल। तो गाइस यहाँ पे अंकल जो भी सारा बांस है अंकल के पास सारा असम से आता है, असम। ये देखो बाकी हमारा बांस पैक हो चुका है भाई, बैटरी रिक्शे का वेट कर रहे हैं। चलो चलते हैं। तो फाइनली गाइज हमारा बांस बन चुका है बहुत मेहनत से, अब चलते हैं भाई इसको लेके घर पे और जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं व्लॉग। तो भाई संदीप भाई भी आ चुके हैं हमारे, भाई सैल्यूट करते हैं भाई संदीप भाई को। संदीप भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, अभिषेक भाई भी है, एंड घर ले जा रहे हैं हम। चलो घर पे मिलते हैं आपसे। सो गाइस फाइनली हम घर पे बांस लेके आ चुके हैं और काम बनाने वाले हैं, रावण कल से स्टार्ट करेंगे। तो जिसने भी भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो करते हैं भाई यहीं, एंड मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।